नमस्कार, सीधी सट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीपाल सक्तावत और आज हमारे साथ हैं बीएसएनएल के सीजीएम श्री रमेश आर्य। वही रमेश आर्य जिन्होंने वो एक्सचेंज देखा था जब मैनुअल एक्सचेंज के जरिए देश में काम होता था, जिनकी वजह से एसटीडी पीसीओ की शुरुआत हुई, जिनके इलाके से आईएसडी की शुरुआत करने वाला भी श्रेय जो है वो इनके खाते में जाता है। और अब एक नई टेक्नोलॉजी की तरफ भी ये जा रहे हैं। बीएसएनएल यानी वो नाम जिसको लेकर एक कहावत बड़ी चर्चा में होती है। आर्य साहब, पहली बात तो स्वागत है आपका। और बीएसएनएल को लेकर जो कहा जाता है कि भाई साहब नहीं लगेगा, ये जो एक मेंटेलिटी बन गई, जो एक ओपिनियन बन गई बीएसएनएल को लेकर, उसके बीच काम करना कितना मुश्किल लगता है, क्योंकि आप तो 1981 से इस सर्विसेज में। देखिए, ये जो कहावत बनाई गई है कुछ लोगों की शरारत है। मैं इसका सबसे बड़ा प्रमाण आपको इससे दे सकता हूँ कि जैसे पिछले साल यानी जो फाइनेंशियल ईयर गया है उसमें हमने 18.5 लाख कनेक्शन लोगों को दिए हैं और उससे पिछले साल 9.5 लाख दिए थे। तो अगर ऐसा होता कि भाई साहब नहीं लगेगा, तो ये जो 9.5 लाख से 18.5 लाख एक साल में इतने ज़्यादा कनेक्शन बिके हैं तो कैसे बिक गए? वो एक नेटवर्क की वजह से, सबसे बड़ा नेटवर्क आपका है, लेकिन सर्विसेज को लेकर तो ये ओपिनियन। सर्विसेज के बारे में बता रहा हूँ कि सर्विसेज दो जो मोबाइल है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता हुआ नेटवर्क है और बीच में 2008 से लेकर के 2014 तक एक ऐसा पीरियड रहा जहाँ हम मोबाइल का नया इक्विपमेंट बिल्कुल नहीं खरीद पाए। 6 साल का पीरियड जो है इतना ज़बरदस्त पीरियड था कि उसे प्राइवेट ऑपरेटर सब सर्विस देते रहे और ये हमारा बीएसएनएल बिल्कुल नहीं दे पाया। जैसे लगता है बीएसएनएल पे लोग कहते भी हैं कि ये सब कुछ इसलिए हुआ था कि प्राइवेट सेक्टर पनपे उससे। तो बीएसएनएल पे आरोप नहीं लगता ना, ये आरोप तो प्राइवेट ऑपरेटर्स पे लग रहा है। बीएसएनएल पे, बीएसएनएल के अधिकारी उस मन से काम नहीं करते, उस तरह से कमिटमेंट से काम नहीं करते। ये कहा जाता है कि सरकारी नौकरी में जब भी कोई व्यक्ति आता है तो बेटा बनकर आता है और पद पर बैठते ही बाप बन जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये सर्विस डिपार्टमेंट है। सर्विस डिपार्टमेंट इस तरह से होता है, जैसे मैं आपको बताऊं कि एक आदमी में उंगली में छोटी सी चोट लग जाती है ना, डॉक्टर पास जाता तो वैसे शो करता है कि उसका पूरा शरीर बेकार हो गया। ऐसा होता नहीं है, चोट तो छोटी सी उंगली में। तो जिसका फ़ोन ख़राब होता है उसको ऐसा लगता है कि सारे ही फ़ोन काम नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होता है। दूसरी चीज़ है कि अगर प्राइवेट ऑपरेटर की सर्विस इतनी अच्छी होती तो हमारे पास लोग इतनी तेज़ी से क्यों आते हैं? अब तो सेचुरेशन पॉइंट पे है मार्केट, तो अब जो कुछ आ रहे हैं दूसरों से टूट टूट के आ रहे हैं। तो ये जो एलिगेशन है कि भाई कि अफसर ऐसा नहीं करते हैं, अगर ऐसा होता तो अभी हमने नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क इंट्रोड्यूस किया है, अभी पिछले 3-4 साल में ये सब काम हुआ है। हमने फेज 7 और फेज 8 का मोबाइल इक्विपमेंट लगाया है, उसके बाद से हमारा जो डेटा रेवेन्यू है, वो डेटा का जो ट्रैफिक है वो 600% बढ़ गया है इस नए नेटवर्क पर। बात देखिए तो ये, लेकिन 4G में आप नहीं आ पाए का जवाब दे रहा हूँ कि अफसर काम नहीं करते, ये बिल्कुल सरासर गलत है। अफसर हमारे दिन रात लगे रहते हैं, हमारे एम्प्लॉयज भी, चाहे धूप हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, फोन ठीक करते हैं। नहीं, सर्विसेज आप कैसे दे सकते हैं? 25 साल से तो आपने लाइनमैन की भर्ती नहीं की बीएसएनएल। नहीं नहीं, आप गलत कह रहे हैं। देखिए, 25 साल से लाइनमैन की भर्ती नहीं की है, लेकिन हमने टीटीए और जेटी तो भर्ती कर रहे हैं। लाइनमैन तो अब डाइंग कैडर है, उसकी जरूरत नहीं है। लैंडलाइन एक वक्त था जब ये बीएसएनएल का लैंडलाइन एक आइडेंटिटी होती थी, 197 पे फोन किया और पता चल जाता था किस जगह पे व्यक्ति है। लैंडलाइन डाइंग टेक्नोलॉजी है आज की तारीख में। लैंडलाइन डाइंग टेक्नोलॉजी नहीं है, आपने यही मान करके भर्तियां बंद कर दी। नहीं, ऐसा नहीं, ये मान के भर्तियां बंद नहीं की है। देखिए, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इंडक्ट होती है जो मैनुअल वर्क है उसकी कमी होती जाती है। अब पहले हमारे पास जो फॉल्ट रेट होती थी 25-30% होती थी, उस टाइम ज़्यादा लाइनमैनों की ज़रूरत होती है। अब वो फॉल्ट रेट 5% के नीचे चली गई है, अब उतनी ज़रूरत है नहीं, इसीलिए लाइनमैन भर्ती नहीं कर रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आदमी नहीं रख रहे हैं, हम उसके रिप्लेसमेंट है टीटीएस रख रहे हैं। ठीक है, लाइनमैन तब रखते थे जब बिना उसका हैंड, वो बिना डायल का वो इंस्ट्रूमेंट होता था, मैग्नेटो इंस्ट्रूमेंट होता था, फिर डायल वाला आया, फिर उसके बाद ये क्लिप फोन ईपीबीटी आ गए। अब ईपीबीटी और ये रिपेयर करने के लिए बहुत हाई स्किल चाहिए। आप जो लाइनमैन हमारे पास खड्डे खोदने वाला था उसको हमने लाइनमैन बना दिया सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर से। तो अब उनको आप क्या सोचते हो कि उनको हम इतनी हाई टेक्नोलॉजी उसको सिखा पाएंगे बुढ़ापे में? पॉसिबल ही नहीं है। तो उसको कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं? तो वो जितने रिटायर हो रहे हैं ऑटोमेटिक रिटायर होते जा रहे हैं, उसकी जगह हम हाईली स्किल्ड टीटीएस भर्ती कर रहे हैं। अच्छा, आपने वो दौर देखा 1981 में आप आए, बीएसएनएल
आपकी आंखों के सामने बना BSNL जो है जी, जी, उसकी जो नींव पड़ी वहां से लेकर के, उसके बाद आप डायल वाले मोबाइल से फोन से आगे बढ़ते गए, टेक्नोलॉजी अब जो नई टेक्नोलॉजी है वहां तक आप पहुंचे हैं, STDPCO आपके वहीं से शुरू हुआ, ISD की सर्विसेज आपकी सर्किल से शुरू हुई, तो ये जो यात्रा है इसको किस तरह से देखते हैं और आपको लगता है कि वो रफ्तार अगर कंटिन्यू होती तो आप कहाँ पर होते? नहीं आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। जो पहले जो चल रहा था टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हमें वो भी अच्छा लगता था और आज भी अच्छा लगता है, लेकिन पहले इस तरह से होता था कि एक दौर 10 साल 15 साल बाद जाकर के एक चेंज आता था, फिर उसके 15-20 साल बाद जाके और दूसरा चेंज आता था। अब तो टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट डेवलप हो रही है। अभी हम 90s 80s में इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज लाए, उस टाइम सोचते थे इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज 25-30 साल चलेगा, लेकिन 10-12 साल बाद ही हमने न्यू टेक्नोलॉजी इंडक्ट कर दी। उस टाइम सोच रहे थे न्यू टेक्नोलॉजी, तो कहा जाता है कि आप उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से तैयार नहीं, आपके पास 4G नहीं है। तैयार नहीं, हमने इंडक्ट कर दिया, आप कह रहे तैयार नहीं है, कैसे कह रहे तैयार नहीं, हमने तो इंडक्ट कर दिया, आप कह रहे तैयार नहीं है। अब वो न्यू टेक्नोलॉजी, अब न्यू टेक्नोलॉजी की जगह NGN आ गया, नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क आ गया, जो कि दुनिया के बहुत कम देशों में है, तो किसने कहा तैयार नहीं, हमने तो इंडक्ट कर दी है। अब ये तो न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी, NGN जिसको बोलते हैं, ये तो इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है कि आपके इस रूम के साइज में हम करीबन 50 लाख लाइन का एक एक्सचेंज खड़ा कर दिया है, जो पूरे चार जोन में एक्सचेंज आप खड़ा कर देंगे। सर्विसेज किस तरह से होगी, सर्विसेज का सवाल खड़ा बोलते हैं, सर्विसेज ही तो मिल रही हैं। आप लैंडलाइन में एक बार डायल करिए, दुनिया के किसी कोने में बात हो जाएगी आपकी, और घंटा भर भी बात करें आपकी, ना तो आवाज़ कटेगी, ना आवाज़ ऊँची नीची होगी, इससे बढ़िया सर्विस और क्या कह सकते हैं। ये 20 साल पहले थी क्या ये सर्विस, मतलब आपको भरोसा है कि अब सर्विस? भरोसा नहीं दे रहे हैं, तभी तो लोग हमारे साथ हैं, आपको मैं यही तो बता रहा हूँ। ये तो अभी इंट्रोड्यूस हुई है आपके, क्या ये टेक्नोलॉजी NGN की? नहीं, NGN तो अभी इंट्रोड्यूस हो रही है, उससे पहले मैं कह रहा हूँ आपको, नेक्स्ट जनरेशन, ये जो हमारी जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है, जिसने कि हमारे जितने हमारी जो स्पीड की क्वालिटी, स्पीच की क्वालिटी जो आप लैंडलाइन में पाते हैं, वो तो मोबाइल में अवेलेबल ही नहीं, किसी भी ऑपरेटर के पास इतनी बढ़िया क्वालिटी नहीं है। इस टेक्नोलॉजी पर हमारी बात जारी रहेगी, अभी वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। आज सीधी सट में बातचीत हो रही है BSNL के CGM राजस्थान सर्किल श्री रमेश आर्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है सीधी सट में। आज सीधी सट बातचीत हो रही है श्री रमेश आर्य से। आर्य साहब जी, BSNL को लेकर उम्मीदें बहुत है, शिकायतें भी बहुत है, डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, प्रधानमंत्री जी इसको लेकर बहुत गंभीर हैं, लेकिन आपकी सर्विसेज, आपका जो BSNL का नेटवर्क है उसके हिसाब से अभी भी तैयार नहीं है, आप ग्रामीण इलाकों में किस तरह से डिजिटल इंडिया? देखिए, आप तो एक लेकिन वर्ड लगाना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप पूरी सोचना मिलेगी तो आप लेकिन वर्ड नहीं लगाओगे। डिजिटल इंडिया में BSNL को एक ड्यूटी दी गई है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दो। हमें जो 31 मार्च तक टारगेट दिया था, जैसे राजस्थान के लिए 6,811 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पहुँचाने का टारगेट दिया गया था, हमने 6,883, उससे ज़्यादा बड़ा हमने दे दिए हैं, और अब टोटल 8,911 में हमें देना है, यानी थोड़ा सा 1,000 करीब और बच गया, उसमें से कुछ तो हमने 31 मार्च तक कवर कर लिया और बाकी का इस फाइनेंशियल ईयर में कवर कर लेंगे। और देखिए, ऐसा है कि डिले कई कारणों से हो जाता है, जैसे ऑप्टिकल फाइबर चाहिए, हमारा पिछला 50,000 किलोमीटर का टेंडर कैंसिल हो गया कॉरपोरेट ऑफिस में, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, जो टेक्निकल चीज़ है, फिर दोबारा टेंडर करेंगे। प्राइवेट ऑपरेटर तो एक ऑर्डर देके खरीद लेते हैं, हम तो ऐसा नहीं कर सकते ना, हमें तो हर चीज़ जो 50,000 रुपये के ऊपर की कोई भी चीज़ होती है तो उसे थ्रू टेंडर ही, इलेक्ट्रॉनिक टेंडर से ही खरीदना पड़ता है, उसमें टाइम लगता है, और टाइम लगता है तो चूंकि लोगों की तो उम्मीदें प्राइवेट ऑपरेटर के हिसाब से हो जाती है, हम लोग थोड़ा सा डिले हो जाते हैं। मतलब आपको लग रहा है कि जो प्रक्रिया है उसने आपको उलझा कर रख दिया BSNL? नहीं, ये तो सरकारी प्रक्रिया है, सरकारी डिपार्टमेंट कानून के हिसाब से काम करते हैं, मर्जी से, मन मर्जी से नहीं कर सकते हैं, तो उस कारण से टाइम तो लगेगा, लेकिन लोगों को उम्मीद हमारे से पूरी है, क्योंकि उनको पता है कि पिछले 30-40 साल का जो इतिहास है हमारा टेलीफोन का, उनको पता है कि BSNL देर से ज़रूर आता है लेकिन अच्छी चीज़ लेके आता है, इसलिए लोग हमारे साथ भी बने हुए हैं। अभी आप देखिए, राजस्थान में हमारा जो शेयर है 7.66% था पिछले साल, यानी 31 मार्च 2016 को, वो बढ़ करके 8.8% हो गया, तो शेयर बढ़ा है, मतलब सारे ऑपरेटर्स के बीच में हमारा शेयर बढ़ा है, इसका मतलब
लोगों की पसंद BSNL है अभी भी, लेकिन सर्विसेज को लेकर अभी भी सवाल खड़े होते हैं। 1070 किलोमीटर हमारी जो सीमा है वो पाकिस्तान से सटी हुई राजस्थान की, इंडो पाक बॉर्डर इतना बड़ा, वहाँ पर उनका नेटवर्क काम करता है, पाकिस्तानियों का नेटवर्क आज भी वहाँ पर काम करता है, खासतौर पर बॉर्डर के इलाकों में। BSNL वो उसकी कोई काट अभी तक नहीं ढूंढ पाया। नहीं तो आप पाकिस्तान में सर्विस देने के लिए क्यों कहना चाहते हैं? अगर पाकिस्तान गलती करता है तो हम भी गलती कर रहे हैं। लेकिन उनका नेटवर्क यहाँ पे काम कर रहा है। नहीं, हमारे लोगों को तो मिल रही है ना सर्विस, और क्यों आप नहीं उसका प्राइवेट ऑपरेटर की बात कर रहे हैं? BSNL से क्यों उम्मीद करते हैं कि बॉर्डर एरिया में हम ही दें? प्राइवेट ऑपरेटर BSNL से इसलिए भी उम्मीद की जाती है कि BSNL एक जन भागीदारी का उपक्रम है, उसको अगर देखें तो। जन भागीदारी का किस तरह से है? पब्लिक का इन्वेस्टमेंट है एक तरह से, कंपनी है सरकार का, बाकी जैसे प्राइवेट कंपनी है सरकारी कंपनी है। वो तो कंपनी बाद में बनी है, शुरुआती तौर पर तो संचार मंत्रालय था। नहीं, संचार मंत्रालय तो अभी भी है। तो BSNL को कंपनी बना दिया, इसका मतलब ये नहीं कि जो पब्लिक का पैसा था, जिस जो उसके इनकम टैक्स से या दूसरे टैक्सेस से जो पैसा आया था, शुरुआत तो उसी से पड़ी है। नहीं, बिल्कुल पड़ी। और इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है BSNL से क्या कि वो बेहतर सर्विसेज दें, बेहतर नहीं, हमारे से कोई अपेक्षा नहीं की जाती। हमारे से ये अपेक्षा की जाती है कि आपके पास जो रेवेन्यू उसी से आपको काम चलाना है। अब आप एक ज़माने में हम दिल्ली से बम्बई कॉल करने के लिए या जयपुर से चेन्नई बात करने के लिए 1 मिनट के 30 रुपये लेते थे, और अब 2 मिनट का 1 रुपया लेते हैं, 1 रुपया 20 पैसा। तो जो सर्विसेज 60 गुना सस्ती हो गई, तो उसी नेटवर्क से जो पैसा आ रहा था वो सस्ता हो गया, और तनख्वाहें पिछले 10 साल में कम से कम 3-4 गुना बढ़ गई है। मतलब आप तो हमें उसी अपने जो खर्चे हैं उसी से हमें, न तो कोई स्पेशल कोई सब्सिडी नहीं मिलती है BSNL को, जो कुछ देना हमें अपने उससे देना है। मतलब आपको लग रहा है कि जो BSNL का घाटा है, हालांकि इस बार BSNL की स्थिति सुधरी है, और इसके लिए आपको बधाई भी दे सकते हैं कि राजस्थान सर्किल का जो है साल भी ऑपरेशनल, मतलब ऑलरेडी लेवल पे भी ऑपरेशनल प्रॉफिट में है, लेकिन राजस्थान और भी बेहतर किया, तो बहुत अच्छा कर रहा है। तो आपको लगता है कि जो सैलरीज बढ़ी उसकी वजह से भी दिक्कतें आई, आर्थिक बोझ बढ़ा दिए? नेचुरली देखिए, हमारे पास कोई भी काम करने के लिए, जैसे ऑप्टिकल फाइबर डालनी है तो ऑप्टिकल फाइबर तो चाहिए ना, वो तो हम मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, वो भी करना भी तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो जो कुछ काम करना है उसके लिए जो पैसा चाहिए वो हमारे अपने रिसोर्सेज से ही हमें काम करना है। हमें तो बैंकें भी इतनी आसानी से लोन नहीं देती हैं। मतलब आपकी साख बैंकों में भी नहीं उस तरह? साख की बात नहीं है, वो तरीके की बात है। जो प्राइवेट लोग जिस तरह से अब्लाइज करके बैंकों से लोन ले लेते हैं, ये तो आरोप है उनके ऊपर, है एक क्रेडिबिलिटी होती है बैंक किस तरह से अब्लाइज करने से। तो आप दिलवा दीजिए, हमारी क्रेडिबिलिटी में क्या कमी है? नहीं, अगर लोन नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब कहीं नहीं मिलता है, मुश्किल से मिलता है। बैंक उसी को लोन देती है, मुश्किल से मिलता है, जिसमें उसको रीपे होने की उम्मीद होती है, उसको लगता है। आप बताइए फिर कैसे काम करेंगे आप, जब हम घाटे में जा रहे हैं, हम लोगों को निकाल नहीं सकते, हमारा पूरे जो हमारी रेवेन्यू उसका 55% हम एम्प्लॉयज पे खर्च करते हैं, प्राइवेट ऑपरेटर सिर्फ 5% खर्च करते हैं, क्योंकि अब एम्प्लॉयज को निकाल तो नहीं सकते ना हम, वो तो रिटायर होंगे तभी निकलेंगे। इन तमाम दुविधाओं के बीच में किस तरह से आप बेहतर कर पा रहे हैं? हम यही कह रहे हैं आपको कि 55% खर्च करके भी हम ऑपरेशनल प्रॉफिट में है। इससे आप लगाइए कि गवर्नमेंट के लोग कितने एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, जबकि प्राइवेट लोग 5% खर्च करके भी सिर्फ 5% वो रेवेन्यू दिखा रहे हैं। और अभी जो दौर चला है डिमोनेटाइजेशन और रिलायंस जियो जो फ्री में दे रहा है, उसके बाद तो घाटे में जाने लगे। जियो की सर्विसेज को लेकर लोगों को एक संतुष्टि है, बड़ा नेटवर्क उसका तैयार हुआ है, तो वहाँ तो आप कहीं कम्पीट कर ही नहीं पा रहे हैं। नहीं, हम कहाँ कम्पीट करने की आप बात क्यों कर रहे हैं? अभी हमने पिछले साल जियो को शुरुआत हुए कितने दिन हुए हैं? हाँ, तो आप उसमें अगर लोगों का भरोसा उसके ऊपर है तो BSNL को उसके हिसाब से बताऊँ तब आप बताओ। एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में अच्छा कॉम्पिटिशन तभी होता है जब सामने वाला भी उसके हिसाब से तैयार हो। आप सामने वाले को एलेज करेंगे, उससे बेहतर थोड़ी हो सकता है। मैं फिक्स फैक्ट्स बता रहा हूँ ना आपको कि हमने पिछले साल पूरे ऑल इंडिया पे 29.5 लाख कनेक्शन दिए 31 मार्च में इस फाइनेंशियल ईयर के, सिर्फ मार्च में, जबकि 2 साल पहले हम सिर्फ 7-8 लाख कनेक्शन पर मंथ देते थे। तो आप कैसे कहते हैं कि हम तैयार नहीं हैं? हम तैयार भी हैं, लोग हमारे कनेक्शंस भी ले रहे हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं कनेक्शंस। बातचीत जारी रहेगी, अभी वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। आज सीधी सट बातचीत हो रही है BSNL के CGM राजस्थान सर्किल श्री रमेश आर्य से। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ सीधी सट बातचीत के लिए हैं BSNL के CGM श्री रमेश आर्य। रमेश आर्य साहब, हम बात कर रहे थे भी टेक्नोलॉजी की, आपकी जो सर्विसेज हैं उनको लेकर के।
एक बात बताइए, आप नंबर वन नेटवर्क की बात करते हैं, निश्चित रूप से इतना पुराना है, और अगर आपकी सर्विसेज की बात करें तो 36 साल का आपका एक्सपीरियंस हो गया, 1981 में आप इन सर्विसेज में आए थे, और आप उन सौभाग्यशाली अधिकारियों में हैं जिन्होंने तकनीक के बदलाव को करीब से देखा। आपको लगता है कि जो रफ्तार होनी चाहिए थी वो रफ्तार रही है BSNL की? हालांकि ISD शुरू हुई तो वो उसमें भी रमेश आर्य साहब के सर्किल से ही शुरुआत हुई, STDPCO देश में लगे 1991-92 में, तो वो भी शुरुआत आपके इलाके से हुई। आपने जब सर्विसेज ज्वाइन की तब बिल्कुल मैनुअल एक्सचेंज था, जो इंडक्ट हुआ इसमें मैं दिल्ली में था, तो आई वाज मेन पर्सन इन दिस रोल आउट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। तो इसकी क्रेडिट किसको देते हैं आप? नहीं, क्रेडिट तो एक पूरी टीम को जाता है, लेकिन हर चीज़ की शुरुआत कहीं ना कहीं आप जुड़े होते हैं। नहीं, शुरुआत पर तो ऐसा होता है कि भाई जैसे चार अफसरों को काम दिया, एक अफसर पहले कर देता है, दूसरा चार दिन बाद कर देता है, करते तो सभी हैं, तो ऐसा नहीं है। ये दो तीन चीज़ों के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी हर अफसर कुछ न कुछ इस तरह का काम तो करता ही है अपने इलाके में। 500 तरह की चीज़ें नई नई इंडक्ट होती रहती हैं। जो आप जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, तो मैं बताना चाहूँगा कि BSNL एक, या जिसको हम DOT पहले था और अब BSNL बन गया, ये एक मात्र ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें 30 साल के अंदर अंदर मैनुअल सिस्टम से लेकर के हम नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क पे आ गए हैं। ये नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क अभी लेटेस्ट 5th generation की टेक्नोलॉजी है। इसमें कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो लैंडलाइन में हम दे सकते हैं, जो कि अदरवाइज न्यू टेक्नोलॉजी के जो पहले जो एक्सचेंजेस थे, एरिक्सन वगैरह, जो सीमेंस वगैरह, उसमें भी नहीं दे सकते थे ये फैसिलिटी, वो इसमें दे सकते हैं। ये IP बेस्ड टेक्नोलॉजी है लेटेस्ट। अच्छा, आपकी पेरेंटिंग पे एक किताब आई थी। जी, जब DOT से BSNL में गया, मतलब जो कन्वर्जन हुआ, उस वक्त जो हताशा थी अधिकारियों में, कर्मचारियों में, उनको लग रहा था कि हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ चले गए, गवर्नमेंट में थे, सरकारी दामाद थे, तो वो पेरेंटिंग का काम आई उसमें? नहीं, पेरेंटिंग किताब तो मैंने अभी लिखी है 2-3 साल पहले, और पेरेंटिंग इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट। पेरेंटिंग का मतलब लेकिन सोचने का जो तरीका है। नहीं, बच्चों की जो परवरिश होती है, तो अक्सर हम गलती करते हैं, पेरेंट्स जो गलती करते हैं वो ये सोचते हैं कि बच्चा बड़ा हो जाएगा तो मुझे अच्छे स्कूल में डाल देंगे। अधिकारी की भूमिका भी वही होती है अपने जूनियर्स के साथ। पहले मैं आपको छोटा सा इसमें बता दूं ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो वो जो पेरेंट्स गलती कहाँ करते हैं कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है ना, Day 1 से बच्चा आपकी इन्फॉर्मेशन को रजिस्टर करता है, क्योंकि उसकी आंखें भी खुली है, कान भी खुले हैं, उसके 5 सेंस ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। उस टाइम पेरेंट्स काफ़ी गलतियाँ करते हैं ये सोच के कि बच्चे को क्या समझ आएगा, अभी छोटा है, समझ नहीं आता, लेकिन वो रजिस्टर सब कुछ करता रहता है, और वहीं से उसकी जो है मानसिकता का विकास होना शुरू हो जाता है। जब हम उसको समझते हैं कि भाई बोलना सीख गया, अब स्कूल डालना शुरू कर दिया, अब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तब इसको कोई अच्छे टीचर से उसे पढ़ाई करा देंगे, तब तक हम उसका संस्कार डेवलप कर सकते हैं। किस तरह से करते हैं? नहीं, उसका कोई, आपको लगता है उसका तरह कोई पेरेंटिंग की कहीं जरूरत? देखिए, मैं बताऊं, जो नहीं, ये बच्चा भी, जब मैच्योर हो जाता है, चाइल्ड है, एक प्रोडक्ट जो होता है, आपका सोचना है। पेरेंटिंग इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। वो तो प्रिकॉशंस है माँ बाप के लिए कि उन्हें जब बच्चा छोटा होता है तब उन्हें अपना बिहेवियर को किस तरह से मॉडिफाई करना चाहिए ताकि वो बच्चा एक अच्छा नागरिक बने। आप जो सोच रहे हैं वो पेरेंटिंग का मतलब नहीं है। हम उसको दूसरे संदर्भ में लेना चाहते हैं जी, कि वही पेरेंटिंग उसी तरह से डिपार्टमेंट को लेकर या अपने प्रोडक्ट को लेकर के सोचा जाए। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप उसको बिल्कुल गलत तरीके से ले रहे हैं। आप पेरेंटिंग की बुक पढ़िए तब आपको समझ में आएगी कि एक बार जब बच्चा मैच्योर हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, उसके जो हैबिट्स डेवलप हो जाती है, उसको चेंज करना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो ये BSNL में भी लागू होता है, क्योंकि वो भी एडल्ट हो चुका है। सारी दुनिया में एडल्ट क्या, अब तो वो उससे भी ज्यादा सारी दुनिया में लागू होता है। इसलिए तो कहावत बनी, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, पुरानी आदतें बड़ी मुश्किल से जाती है। तो वो दिक्कत उसका सबको ही आ रही है, किसको नहीं आ रही है, सारी दुनिया को आ रही है। नहीं, मैं इसके संदर्भ में आप उन अधिकारियों से, उन कर्मचारियों से काम, आप बताइए, पूरे सरकार के किसी महकमे में किसी ने आदत बदली हो तो कोई बदल सकता है आदत को? इसके लिए नहीं, इसके लिए तरीका है। उसके बीच में फिर आप कैसे बेहतर रास्ता निकाल पाए? हम बता रहे हैं ना आपको, जो तरीका है उसका ये है, दो तरह के इम्प्रूवमेंट हैं, दो तरीके से इम्प्रूवमेंट लाया जाता है। आदतों को चेंज करने के लिए हमारे पास कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं बैठे हुए हैं। हम लोग जो नॉर्मल मैनेजर्स हैं, हम लोग दो तरह की चीज़ें करते हैं। एक तो टेक्नोलॉजी इंडक्ट करते हैं जिससे कि सर्विस की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाए, है ना, तो वो हम लगातार इम्प्रूव करते आ रहे हैं।
जो पहले जो हैंडसेट होता था जिसमें डायल भी नहीं होता था, मैग्नेटो इंस्ट्रूमेंट्स होता था, वहाँ से लेकर के हम ये क्लिप इंस्ट्रूमेंट तक आए हैं, मोबाइल पे आए हैं, है ना। तो ये टेक्नोलॉजिकल इंडक्शन है, ठीक है। इसी तरह से टेक्नोलॉजी जो मैनुअल एक्सचेंजेज होते थे उससे एनजीएन तक पहुँच गए हैं। एनजीएन काफ़ी कुछ हमारा रोल आउट हो गया है, 18 मार्च 2018 तक कम्प्लीटली रिप्लेस हो जाएगा। तो एक तो टेक्नोलॉजिकल इंडक्शन, केबल हमारी पहले पेपर कोर होती थी, एक बार बरसात में पानी घुस गया तो 800 पेयर की तो 800 के 800 पेयर खराब हो जाते थे। उसके बाद जेली फील्ड केबल आ गई, उसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर आ गई, उसमें ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। तो एक तो टेक्नोलॉजी में जो आपकी कोपर जमीन, मैं आपको पहले कंप्लीट कर दूं, एक तो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट लाते हैं, दूसरा जो गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना रहे हैं कंडक्ट वगैरह के लिए, है ना, जिससे थोड़ा सा डराना धमकाना ये एक्शन लेना ताकि लोग जो है डिसिप्लिन में रहें। लेकिन आदत बदलने के लिए लगातार कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि चुनौती क्या है आपको क्या लग रहा है? नहीं, बड़ी चुनौती, इंप्रूवमेंट आ रहा है लोगों में, इंप्रूवमेंट आ रहा है क्योंकि सर्वाइवल का सवाल है। तो अब लोगों में पहले से इंप्रूवमेंट आ रहा है, लेकिन कोई ये सोचे कि एक स्विच दबाते लोगों की आदत बदल जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है। वो सोच हमारी बिल्कुल गलत है, दकियानुसी सोच है। हाँ, टेक्नोलॉजी में इंडक्शन ला सकते हैं, वो भी ग्रेजुअली आता है, लेकिन उसमें फिर भी चेंज एकदम साफ आता है, लेकिन सोच पे सोच धीरे धीरे आती है। नई जनरेशन है वो थोड़ा अलग तरह से, वो थोड़ा सा फास्ट सोचती है। उनके पास आज जो नया इंडक्ट करते हैं हम JTO, उसको हर एक को लैपटॉप आता है, उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं। बहुत सारी मार्केटिंग की चीज़ें हम लोगों ने सीखी है। मार्केटिंग हमारा इंजीनियर्स का तो सब्जेक्ट नहीं होता, बट सर्वाइवल के लिए हमें ये भी सीखना पड़ता है, क्योंकि जब तक तो चीज़ बेचेंगे नहीं, बिकेगी नहीं, तो हमारा रेवेन्यू कैसे आएगी। तो काफ़ी शुक्रिया वक्त देने के लिए, सीधी सट बातचीत के लिए। ये थे श्री रमेश आर्य, BSNL CGM राजस्थान सर्किल। अगले सप्ताह फिर किसी शख्सियत के साथ मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार।